नॉनस्टॉप एंटरटेनमेंट के लिए सब्सक्राइब करें शिमारू चैनल्स। बहुत दिनों से पिया नहीं है। गोल्फ ले, कैप्टन चाय पीने भी चलेगा। आप उनको पी लेंगे तो भी चलेगा। हाँ, नशे की बहुत बुरी आदत हो गई है, बाहर जाना पड़ गया। क्या इधर तुम छोकरों लोग भरे ना एकदम भंकर खाली पीली। कोई डांसर भेजे बाप, स्वीट स्वीट अपन इधर रॉक एंड रोल करेगा। रम पम का जो मार खा रहा था कौन है? आज ही आया है सर, कल रात चोरी करते हुए पकड़ा गया था। क्या चोरी किसने? एक जोड़ी जूते। ताज्जुब, ये लड़का कतई दूसरों से अलग मालूम होता है, ज़हीन भी लगता है। लेकिन सर, इसने चोरी का खुद इकबाल किया है। तुम इसे मेरे ऑफिस में ले आओ। यस।
सर ये पुलिस एग्जिबिट सर और ये केस फाइल। अब जा सकते हैं। तुमने लड़की तरफ क्या नाम है तुम्हारा? देवेश। क्या उम्र? 12 साल। 12 साल से चोरी करना शुरू कर दी। तुम्हारे बाप का नाम क्या है? उनको तो इस चोरी से कोई वास्ता नहीं। फिर भी मैं तुम्हारे बाप का नाम पूछना चाहता हूँ, क्या नाम है उनका? मैं नहीं समझता कि उनका नाम बताना जरूरी है। चोरी मैंने की है, सजा मुझे दीजिए। तुमसे किसने कह दिया मैं तुम्हें सजा दूंगा? मुझे तो यकीन नहीं आता तुम्हारे जैसे समझदार लड़का चोरी कर सकता है। किस लिए चोरी की तुमने? कहाँ रहते हो तुम? स्टेशन पर। घर नहीं है? माँ बाप तो है ना? नहीं। अच्छा, इसलिए तुमने चोरी की? चोरी की वजह ये नहीं है। फिर क्या वजह? मैं समझ गया तुमने किस लिए चोरी की। ये जूते नए और खुशबूदार, ताजा चमड़ा है ना? मेरा पहन के दिखाओ। ये मेरे पैर के नहीं है, छोटे हैं। अच्छा, फिर तुमने किस लिए चोरी की? मैं समझ गया तुमने किस लिए चोरी की। तुम्हारा एक दोस्त है जो तुमसे छोटा है और जिसे तुम बहुत प्यार करते हो ना? देखो, मैं भी तुम्हारा दोस्त हूँ, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। तुम सच सच बताओ किसके लिए तुमने चोरी की? तुम्हारा दोस्त है ना? फिर कौन है? मेरा छोटा भाई। अच्छा, तुम्हारा छोटा भाई? वो मुझे बहुत प्यारा है, क्योंकि औरों से कोई प्यार नहीं करता। वो बहुत शरारती है ना, सबको परेशान करता रहता है। मेरे से और किसी की भी परवाह नहीं करता, किसी का कहना नहीं मानता। जब हम लोग गांव में थे तो सब गांव वाले उसे परेशान रहते थे। अभी तो जमीन में है, अब बड़ा होकर पता नहीं क्या करेगा। डाकू बनेगा, डाकू और क्या बनेगा। लाया? ए ले। बड़े मुश्किल से लाया हूँ, मुझे पकड़ने के लिए सब दौड़े थे। माने भी खूब पत्थर लगा। अच्छा जल्दी से खाना दे, मुझे भूख लगी। तेरी तो हमेशा भूख लगती है। अभी तरकारी लाया, ये पकड़ूंगी तब तो खाना। दूध लाया? तुझे दूध लाने को कब कहा था मुझसे? अरे वाह, दूध नहीं लाएगा तुमने गुड़िया पी गई क्या? अब मैं दूध कहाँ से लाऊं? जाओ ना भैया लेके आओ ना, जाओ ना भैया, जाओ ना लेके आओ ना, जाओ ना भैया। तो एक लोटा दे, मैं भी लाता हूँ। वो रखा है, जा ले क्या। खाना बगैर अभी आता हूँ। दूध निकालो, चोरी करता, मार मार के कच्चू मार बना दूंगा। नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा, ला मेरा दूध। मन्नू, तूने सचमुच मेरे नाक में दम कर दिया। बेटा, मेरा रोज रोज गांव आना मुमकिन नहीं। मुझे सुबह 8 बजे प्रेस पहुंचना हो, मगर मैं जब आता हूँ गांव वाले तुम्हारी शिकायत करते। बाबू मुझे मारते और तुमसे शिकायत भी करते। और क्या करें,
किसने कहा था तुझे बकरी का दूध निकालने को? बाबू मैंने इसे खुद ने कहा था। तूने नहीं कहा था कि अगर दूध नहीं होगा तो गुड़िया भूखी रहेगी? मैंने तेरे को चोरी करने को नहीं कहा था। मैंने चोरी कर ली थी, बकरी कर ली थी, थोड़ा सा दूध निकाल लिया। बगैर कहे सुने बकरी का भी कुछ कहा जाता है? ओ गुरु, बकरी का कोई मालिक तो था, उससे पूछा होता तो निकाला था। बेटा किसी से पूछे बगैर एक बूंद भी लेना चोरी होता है। एक चोरी करना, फिर लोगों पे पत्थर फेंकना, मारना, ये क्या तमाचा? जो कोई मुझे मारेगा मैं भी उसे मारूंगा। ओहो, कब अकल आएगी तुझे? जिन लोगों में रहते हैं उनसे मेल मोहब्बत रखते, उनसे झगड़ते नहीं, उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाते। किसी की चीज चुरानी या छीननी नहीं चाहिए बेटे, बल्कि दूसरों को जरूरत हो तो अपनी चीज भी उन्हें दे देनी चाहिए। मैं अपनी गुड़िया मल्लू को दे दूंगी। हट। मैं कितनी बार समझा चुका हूँ बेटे, हमें हर काम दूसरे की भलाई का ख्याल रखते हुए करना चाहिए, दूसरों की मदद करनी चाहिए। हमारी जिंदगी सिर्फ अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए है, समझे? मैं नहीं समझा। क्या नहीं समझा तू? हमारी जिंदगी दूसरों के लिए तो उनकी जिंदगी किस लिए? अगर हम ही उनका काम कर दे तो वो लोग क्या करेंगे? ओहो, तुझसे कौन जीतेगा? बापू तुम तो मेरे से कहते थे कि हम आपको लाएंगे, तुमने शहर से लाते क्यों नहीं? बेटा अब तुम सबको शहर ले जाऊंगा, तुम्हें यहाँ रखने से तुम्हारी देखभाल ही नहीं हो सकती। मामा होंगी? हाँ बेटा होगी। तुम भी शहर रहोगे? हाँ मैं भी तुम्हारे साथ रहूंगा। फिर तो खुश है ना? ले ये आ गया अपना मोहल्ला। ओ बेटा क्या? अरे ये हमारे मोहल्ले का नल है बेटे, इसमें पानी आता है। और देखो बेटा सुबह 5 से 7 बजे तक सिर्फ 2 घंटे पानी आता है, सुबह उठते ही पहले पानी भर लेना। और फिर बाद में इतनी लंबी लाइन लग जाती है, कुछ होता है? राम राम माधव भैया। राम राम गोकुल भैया कहते हैं आप? भगवान के तरह बच्चों को ले आए हैं, बड़ी खुशी। आओ ले तुमको कहते हैं। यहाँ हम रसोई बनाएंगे। कितना रद्दी घर है और कितना छोटा, ना आंगन ना चौपाल। तो क्या हुआ? अच्छा तो है, क्यों ठंडी? हाँ अच्छा है। आओ आओ देव, आओ इधर दिखाता हूँ। आओ सामान रखो बेटा, मैं अभी बत्ती जला के दिखाता हूँ। ये घर अच्छा नहीं, कैसी सड़ी सड़ी लकड़ियों की दीवारें बनी है। छत्ता तो अपने गांव का घर था बेटे, सस्ते में यही मिला है। जब देवू बड़ा होगा, कमाएगा, फिर एक अच्छे और पक्के घर में जाके रहेंगे। क्यों देवू? बापू अम्मा कहाँ है? मैं तो कहा था अम्मा यही है। यही है बेटा? अम्मा यही है। अम्मा 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 तो नहीं है, अम्मा कहाँ है? बेटे यही है। आओ आओ मेरे साथ आओ। बेटा वो है तुम्हारी माँ। वो तो तस्वीर है, वो कहाँ है? हाँ बेटा वो तस्वीर है, अब उनकी तस्वीर और याद ही हमारे पास रह गई है। बेटा उन्हें तपेदिक हो गया था और तुम्हें उनसे अलहदा रखने के लिए मैं उन्हें शहर ले आया था और एक अस्पताल में दाखिल करा दिया। देवू तो जानता है, मैं तुम्हें नहीं बता सका कि 1 महीना हुआ वो इस दुनिया को छोड़ गई। रो नहीं बेटा, रो रो मत, मेरी रानी बेटी, माँ तुम्हें नहीं छोड़ के गई। देवू उसे चुप करा बेटे, बस बेटे बस। बेटा माँ नहीं रहती मगर उसका साया अपने बच्चों पे हमेशा रहता है। बेटा उसकी सीख, उसकी बातें याद करो, वो हमेशा तुम्हारे साथ रहेगी। कितनी अच्छी अच्छी बातें वो सिखाती थी तुम्हें। बेटा आओ 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 सब मिलके वो गाना गाए जो तुम हमेशा अपनी माँ के साथ गाते थे। गाओ गाना, आओ आओ गाए। हमें उन राहों पर चलना है,
हमें उन राहों पर चलना है जहाँ गिरना और संभलना है, हमें उन राहों पर चलना है जहाँ गिरना और संभलना है, हम हैं वो दिए औरों के लिए जिन्हें तूफानों में जलना है, हमें उन राहों पर चलना है जहाँ गिरना और संभलना है। जब तक ना लगन हो सीने में बेकार है ऐसे जीने में, जब तक ना लगन हो सीने में बेकार है ऐसे जीने में, चढ़ना है हमें चंदा की तरह सूरज की तरह नहीं ढलना है, हमें उन राहों पर चलना है जहाँ गिरना और संभलना है, हम हैं वो दिए औरों के लिए जिन्हें तूफानों में जलना है, हमें उन राहों पर चलना है जहाँ गिरना और संभलना है। चलना है यहाँ गिरना और संभलना है, हम हैं वो दिए औरों के लिए जिन्हें तूफानों में जलना है, हमें उन राहों पर चलना है यहाँ गिरना और संभलना है। आकाश से आती है ये सदा हम आए अगर तो जीना जला, आकाश से आती है ये सदा हम आए अगर तो जीना जला, कभी हम है यहाँ कभी है खुशियाँ, हर हाल में हमको पलना है, हमें उन राहों पर चलना है जहाँ गिरना और संभलना है, हम हैं वो दिए औरों के लिए जिन्हें तूफानों में जलना है, हमें उन राहों पर चलना है जहाँ गिरना और संभलना है। देखा नहीं अंधा था, मैं पर थोड़ा सुझा दूंगा। अरे जा मरना है मर गया मालूम है, समझा मन्नो क्या बताएगा? बताओ क्या अभी बता क्या बताएगा? अरे जा लेने दे। अरे 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 चल हट, मुझे लेने दे पानी। अरे ओ बड़ी दी,
हम भी पानी लेने आए, दवा लेने नहीं आए, समझी? अरे बड़ी जरा पीछे आके खड़े रहो ना, नंबर आने से बड़ी पानी भरो। ए, मेरे पास इतना वक्त नहीं खड़े रहने का। अया या, या का गांडे हुआ खड़े होकर जी, हमको पन पानी मिलता नहीं जी। ए, तुम लोग ने ठले होकर खड़े रहो, मुझे और भी बहुत शराम कर। ए, क्या बड़ी जुलम लगा रखा है, चल लाइन में आ जा। चलो भाई आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। ए बुढ़े, चल हटा बाल्टी, सुना नहीं उन लोगों की तरफ क्या देखता है, चल हट परे। बेचारे बुढ़े को गिरा दिया रे, बताइए इस औरत से क्या बड़ी मुंह लगना। अब मैं देखती हूँ कौन मर्दूद मुझे पानी लेने से रोकता है। ये पिल्ला कौन है? चुपचाप सीधी तरह खड़ा रहे, पहले हम पानी भरेंगे। तुम पानी नहीं भरोगे, बुढ़े के पास हमारा नंबर है। जहन्नम में जाए तुम्हारा नंबर और साथ में तू। ये ले। बाती क्यों करी? है कि मेरी मर्जी, मुझे अच्छा लगता है। मैं बताऊँ मुझे क्या अच्छा लगता है? ओह! ओह! अरे क्यों मरी भी कैसी हो? ओह! अरे चोटू! अरे बच्चू! अरे बच्चू! सत्यानाश हो, तुम्हारी माँ मर जाए, तुम्हारा भाई मर जाए। अरे भैया जरा देखो कितना गोश्त खाया है उसने। अरे बाप रे कितना गोश्त निकाल दिया। तू हंसता है? अरे बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। देख बेटा ये पास में मेरी दुकान है, जब तुम इधर आना तब हमारे पास चले आना, हम तुमको टॉफी देंगे, बिस्कुट देंगे। क्या नाम है तुम्हारा? मल्लू। मन्नू, ये तेरा पहले नंबर का पानी, वो बिचारी को इतनी जोर से काटा उसका गोश्त निकाल डाल। अरे चलो भैया अपना नंबर आ जाओ। वो लड़का फिर से आ गया, आता है तो आने दो, बड़ा रे बाप मारता है। बता क्या बात है, झगड़ा मत कर। अभी बता। मन्नू खबरदार, मन्नू मन्नू खबरदार, मन्नू मन्नू खबरदार, खबरदार मन्नू, खबरदार मन्नू, नहीं 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 छोड़, नहीं 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 छोड़ उसे, छोड़ उसे, छोड़। उससे लड़ने आए थे, ऐसे चल। हिंदी और गणित में काफी तेज है, बाकी सब्जेक्ट्स में भी ठीक ही है। तो इसे अपने क्लास में दाखिल कर लीजिए, थर्ड डी है ना आपका? जी हाँ। लीजिए। टुन्नी 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 बेटे, तुमने क्या पढ़ा है? कुछ नहीं। मैं तुमसे नहीं पूछता हूँ बेटे, यहाँ आओ बेटे, यहाँ आओ। टुन्नी बेटे तुमने क्या पढ़ा है? कुछ नहीं। कुछ नहीं, गिनती आती है? हाँ जी कहते हैं बेटा। हाँ जी। अच्छा ये बताओ तुम सब कितने बहन भाई हो? चार। चार? चार कैसे? मैं और मन्नू और भैया और बापू। बड़ी समझदार लड़की है। मंजू बहन इसे अपनी क्लास में ले जाइए। इन दोनों को तो दाखिल कर लिया है, लेकिन बड़े के लिए जरा मुश्किल है क्योंकि सातवीं जमात में एक भी सीट नहीं रही। हेडमास्टर साहब मुझे इसकी पढ़ाई की सबसे ज्यादा फिक्र है, आप एक सीट बढ़ा दीजिए ना। श्रीमान जी मैं मजबूर हूँ, सीट बढ़ाने का काम तो स्कूल की मैनेजिंग कमेटी के हाथ में है। कुछ भी कीजिए, इसे दाखिल कर लीजिए, इसका साल न जाया होने दीजिए। गांव के स्कूल में ये हमेशा अव्वल रहता रहा है और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ ये आपके स्कूल की शान को भी बढ़ाएगा। हेडमास्टर साहब मैं मामूली आदमी हूँ, मेरी इसमें बहुत उम्मीदें हैं, बड़ा हुनहार है, इसलिए नहीं कि ये मेरा बेटा है, मैं सच कहता हूँ ऐसा रत्न आपको कभी नहीं मिला होगा। इसका जन्म 2 अक्टूबर को हुआ था, हमारे बापूजी का जन्मदिन। अच्छा, मुझे विश्वास है इसका भविष्य जरूर उज्जवल होगा। क्या नाम है बेटे तुम्हारा? देवेश। हम इसे देवू कहते हैं। देवू? जी। देवू क्या तुम इस साल भी फर्स्ट आओगे? क्यों नहीं, तुम्हें अपने पर इतना विश्वास है?
शाबाश श्रीमान जी, मैं कमेटी से जरूर इसकी सिफारिश करूंगा। मेरा ख्याल है कि दाखिल हो जाएगा। कुछ भी कीजिए, इसे जरूर दाखिल कर लीजिए। नमस्कार। नमस्कार। चलो पढ़ो, बोलो आ आ ई ई। मुझे पढ़ना नहीं आता। तुम पढ़ो तो सही, आ जाएगा। हाँ चलो पढ़ो, बोलो आ आ। मुझे तस्वीर देखना है। तस्वीर बाद में देखना, पहले पढ़ लो। चलो पढ़ो, बोलो। मुझे खिलौना दो। ये लो खिलौना, अब पढ़ोगे ना? हाँ चलो पढ़ो, बोलो। मुझे बिस्किट दो। अब बिस्किट को भी चाहिए जी। ये लो, अब पढ़ोगे ना? हाँ चलो पढ़ो, बोलो आ आ। मेरा सर दुखता है। अब तेरा सर भी दुखने लगा? हाँ, पढ़ने से सर भी दुखता और नींद भी आती है। कैसी लड़की है तू, सब कुछ करती है लेकिन पढ़ती नहीं। चलो बिस्कुट खा लो, बड़ी अच्छी लड़की, कल पढ़ेगी ना। ये नक्शा किस देश का है? इंग्लैंड। अच्छा, इसकी सीमाएं क्या क्या है जानते हो? बताओ, तुम बताओ। हिंदुस्तान के उत्तर में हिमालय पर्वत, दक्षिण में हिंदू महासागर, पूर्व में ब्रह्मा और बंगाल की खाड़ी, पश्चिम में अरब सागर और पाकिस्तान है। अच्छा, आज हम पहले उत्तरी सीमा के बारे में पढ़ेंगे। उत्तर में क्या है? हिमालय। अच्छा, इस हिमालय पर्वत से हमारे देश को क्या क्या लाभ होता है बताओ। हिमालय भारी आक्रमण से हमारे देश की रक्षा करता है। और श्रीराम, तुम बता सकते हो? तुम नोबडी निकास बताओ। हिमालय से नदियां निकलती है जो हमारे जमीन को उपजाऊ बनाती है। हिमालय मौसमी हवाओं को भी रोकता है जिसे हमारे देश में पानी बरसता है। शाबाश शाबाश। 44 यस सर। 45 यस सर। 46 यस सर। 47 यस सर। अच्छा, जो लड़के नए आए हैं आज क्लास में, खड़े तो हो जाओ। क्या नाम है तुम्हारा? इंद्र मोदी राम। तुम्हारे पिताजी क्या करते हैं? बाहर में वकील है। अच्छा बैठो, तुम्हारा क्या नाम है? कनिष्क नामदेव जोशी। नामदेव जोशी? डॉक्टर नामदेव जोशी? ओ, तो बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे आदमी हैं। हाँ बेटे, तुम्हारा नाम क्या है? मोहन माधवलाल शर्मा। पिताजी क्या करते हैं तुम्हारे? प्याज में कंपोजिटर है। मैं जानता हूँ तुम लोग कितनी हंसते हो, मेरा बाप कंपोजिटर इसीलिए ना। अगर मेरा बाप कंपोजिटर ना होता तो तुम्हारे बाप क्या पढ़ के वकील डॉक्टर बनते? बैठो बैठो बैठो। अच्छा अपनी अपनी किताब निकालो, चलो। पाठ दो, आगरा। हिंदुस्तान के ऐतिहासिक नगरों में से आगरा भी एक प्रधान नगर है। ये जमुना नदी के दाहिने किनारे पर बसा हुआ है। इस शहर की तरक्की मुसलमान बादशाहों के जमाने में खूब हुई। सबसे पहले अकबर बादशाह ने इसे अपनी राजधानी बनाया। आगरे में अकबर ने रहने के लिए सुंदर सुंदर महल बनवाए। अकबर बादशाह अधिकतर आगरे में ही रहा करते थे। अकबर बादशाह के बाद उनके पोते शाहजहां ने किसी आगरा शहर से करीब 2 मील की दूरी पर जमुना नदी के किनारे अपनी बीबी मुमताज बेगम की यादगार में एक बड़ी ही खूबसूरत इमारत बनवाई। इसे ताजमहल के नाम से पुकारते हैं। ये इमारत बिल्कुल सफेद संगमरमर की बनी हुई है। ये पत्थर बहुत ही चिकना और चमकीला होता है। ताजमहल की एक विशेषता ये है कि उसे देखने से ऐसा मालूम होता है। क्या उधम है? ये बेकार में मारता है। बेकार में? तूने मुझे पैसा नहीं चुकाई। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने अपनी आंखों से देखा है। घर झूठ बोलता है। झूठ? मोहन, ए मोहन, ले आओ, ले आओ। पहले दिन से ही शैतानी शुरू कर दी, क्लास में आते ही मारपीट। चलो नील डाउन हो। मुझे अभी नील डाउन में नहीं है, उसने मुझे पैसा नहीं चुकाई थी। बहस मत करो, जो कहा है तो करो। उसे भी सजा दीजिए, उसका कसूर है। मैं जैसे ठीक समझूंगा सजा दूंगा। चलो वाह,
क्या काम है? अपनी अपनी किताबों में देखो, जिस पत्थर का ये बना हुआ है उस पर काई वगैरह कभी नहीं जमती, इसीलिए इतना पुराना होते हुए भी इसकी सुंदरता में आज तक कोई भी कमी नहीं आई। क्या करता? कुछ नहीं सर। इसी तरह नहीं डाल रहा। अच्छा सर। इसमें जो रंग बिरंगे पत्थर जड़े हुए हैं, वे फूलों की रात में चंद्रमा का स्वच्छ प्रकाश पड़ने पर तारों की तरह चमका करते हैं। ताजमहल के अलावा एतमादुद्दौला की इमारत भी आगरे की मशहूर इमारतों में से एक है और देखने लायक है। आगरे का पेठा और दालमोठ बहुत प्रसिद्ध हैं। खाया किसी ने? अच्छा, आगरा शहर बड़ी ही खूबसूरती से बसाया गया है। फिर कभी गड़बड़ मत करना, चलो। अच्छा लड़को, ये सबक घर से अच्छी तरह से याद करके आना। हाँ दोस्तों, चुपचाप भी बैठ सकते। वास्को डी गामा हिंदुस्तान में आया, उस समय हिंदुस्तानी आपस में एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या रखते थे। बैठ जाओ, बैठ जाओ। वैसा जी हो, ये सच है कि मेरे भाई ने कसूर किया है, मगर वो बुरा लड़का नहीं है। मैं जानता हूँ कि ये बहुत शरारती है और किसी की भी नहीं मानता, मगर सर, सब बच्चे तो एक जैसे नहीं होते। कोई डराने धमकाने से मानता है, कोई मार खा कर मानता है, मगर मन्नू उनमें से नहीं है। ये तभी समझता है जब इसकी गलती इसे समझा दिया जाए। ये सब कुछ मान लेगा अगर इसे प्यार से समझा दिया जाए। ये प्यार का भूखा है, आप इसे प्यार कीजिए, समझाइए, तो आपकी बात फौरन मान लेगा। प्यार से तो जंगली जानवर तक काबू हो जाते। ये तो बच्चा है इस स्कूल से मत निकालिए, इस बार माफ कर दीजिए। कहिए आप लोगों की क्या राय है? सर, इस शैतान लड़के को कभी माफ नहीं करना चाहिए, ये स्कूल के सब बच्चों को बिगाड़ देगा। सर, इसे निकाल देना ही बेहतर है। निकाल देना आपके लिए बेहतर है, लेकिन इस बच्चे की बेहतरी का ख्याल आप लोग क्यों नहीं करते? प्यार और मोहब्बत से इसे सुधारने की कोशिश क्यों नहीं करते? इतने दिनों मास्टरी करके भी आपको बच्चों को पहचानना नहीं आया,
मेरा ये फैसला है कि मोहन यहीं पढ़ेगा। जाइए अपनी अपनी क्लासेस में जाइए। अरे मन्नू, ओ मन्नू, अरे आज भूल ही गया, अरे अपने चॉकलेट बिस्कुट तो लेते जा। आप रोज रोज ये सब क्यों देते हैं? आपको पैसा लेने पड़ेगा। कोई बात नहीं बेटा, जब तुम बड़े हो जाना तो कमा के दूने पैसे दे देना। तो क्यों लेते हैं? तो मुझे क्यों देते हैं? कोई बात नहीं, ये मेरा गामा पहलवान है ठहरा। अच्छा जाओ जाओ जाओ, सबको मिल के खाना। दादा मैं बहन दो। ये तुम्हारी बहन है? मुझे बड़ी अच्छी लगती है, बड़ी प्यारी बच्ची है, तुम्हारी तरह शैतान नहीं। बेटी मेरे साथ चलोगी? तुम्हारे साथ नहीं जाएगी, दादा उसे चल। तुम्हें बाप रे बाप, ये लड़का है या फौजी कप्तान? मैनेजर साहब। ओह माधो, तुम अभी तक घर नहीं गए? जी मैं यही अर्ज करने आया था, काम ज्यादा है, इजाजत हो तो मैं ओवर टाइम करके फर्मा पूरा करके जाऊं। दिन भर काम करने के बाद तुम रोज रोज ओवर टाइम बर्दाश्त नहीं कर सकोगे? मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूँ मैनेजर साहब, सच मानिए काम करते वक्त जब मैं अपने बच्चों के बारे में, उनके भविष्य के बारे में सोचता हूँ तो थकान बिल्कुल महसूस नहीं करता, मेरे मन का जोर तन पर हावी हो जाता है। मैनेजर साहब मेरे 3 बच्चे, उनका भविष्य, उनकी पढ़ाई, उनकी देखरेख, सबके लिए मुझे पैसा चाहिए और ओवर टाइम के बगैर कोई चारा नहीं। अच्छा जाओ काम करो। धन्यवाद। देश का प्यारा सबका सहारा कौन बनेगा? हम दीदी। देश का प्यारा सबका सहारा कौन बनेगा? हम दीदी। सारे जग में प्रेम मुझे आरा कौन करेगा? हम दीदी। भारत माता के चरणों में रख दे दिल और जान।
छनी, क्या हुआ तुमने? क्या हुआ? किरण, किरण जरा हेडमास्टर साहब को बुलाना तो। डॉक्टर साहब, जरा इस बच्ची को देखिए, क्या हुआ इसे? क्लास में पढ़ते पढ़ते पहले सरदर्द की शिकायत की। अक्सर नहीं पढ़ने के लिए सरदर्द का बहाना करती है, पहले मैंने ख्याल नहीं किया, एक दफा कह के और फिर आवाज बंद हो गई। ये तो डिप्थीरिया मालूम होता है, वेरी कंटेजियस डिजीज, इसे फौरन अस्पताल ले जाइए। नहीं सर जी, इसे अस्पताल नहीं भेजिए। क्यों बेटा, क्या हुआ? ये अस्पताल जाएगी तो अच्छी हो जाएगी। नहीं, वहाँ तो नहीं जाएगी तो मर जाएगी, मेरी माँ कहती तो फिर वापस नहीं आई। नहीं सर जी, इसे मत भेजिए। रो नहीं बेटे, रो नहीं बेटे। अच्छा फिर इसे नहीं भेजूंगा अस्पताल, मैं खुद इलाज करूंगा। अंदर ले आइए। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपने मुझे गरीब पे बहुत उपकार किया। इसको जरा सावधानी से रखिएगा, कहीं ठंड वरना लग जाए। आपकी बच्ची बड़ी प्यारी है। आप ही ने इसको दूसरा जन्म दिया है। तो नहीं, हमें छोड़ के चली जाओगी? इसको नहीं बेटा, फिर आऊंगी जी। नमस्ते करो बेटे। नमस्ते। अच्छा डॉक्टर साहब, नमस्ते। नमस्ते करो बेटा। नमस्ते। नमस्कार। नमस्ते कर रही। क्लास ए आठवीं श्रेणी फर्स्ट प्राइज जयेंद्र पटेल। सेकंड प्राइज नवीन वेद। क्लास सेवन सातवीं श्रेणी फर्स्ट प्राइज योग्यता में देवेश माधोलाल शर्मा। सेकंड प्राइज बसंत मधवाना। सब विषयों में सबसे अधिक नंबर पाने पर विशेष इनाम देवेश माधोलाल शर्मा। पांचवी क्लास पहला इनाम रजनीकांत शाह। दूसरा इनाम अरुण कुमार दबे। खेल कूद में जूनियर ग्रुप का सबसे अच्छा खिलाड़ी मोहन माधोलाल शर्मा। मुझे कब चाहिए? नहीं दूंगा। देना? मुझे स्कूल से ना मिला, मैं नहीं दूंगा। देता है कि नहीं देना? देखो ना भैया, नहीं देता है। देना मनु। अच्छा एक प्लेट। बस खुश है। अच्छा मनु, एक काम करें। क्या? इन सब चीजों को टेबल पे रख दे और झूठ मूठ आंखें बंद करके लेट जाए। थोड़ी देर में बापू आएंगे, इन सब चीजों को देखेंगे तो बहुत खुश होंगे। हाँ, कि कौन सा इनाम किसको मिला है। हम लोग आंख बंद करके लेट जाएंगे, बापू समझेंगे हम लोग सो गए, तो जब बापू जगाने आएंगे तो एक साथ उठ के बापू बड़ी आ गया। Thank you.
क्या माधो का घर यही है? हाँ, कहिए। तुम कौन हो? माधो का बड़ा लड़का। बड़े लड़के? हाँ। अच्छा तुम मेरे साथ चलो। कहाँ? अस्पताल। अस्पताल क्यों? हाँ, आज प्रेस में माधो का बड़ा भारी एक्सीडेंट हो गया। साथ जल्दी चलो। हाँ, जल्दी चलो। डॉक्टर साहब, कुछ कहा नहीं जा सकता, बहुत गहरी चोटें आई। वैसे हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं, आगे जो भगवान को मंजूर। हमें बापू से मिलने दो। हाँ। ये उनके बच्चे हैं डॉक्टर साहब। ओ, सिस्टर, इन्हें मिल लेने दो। बापू, मुझे कुछ नहीं हुआ बेटे। मन्नू, कुछ नहीं हो रहा बेटे, मुझे कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं बेटे, कुछ नहीं हो रहा। मैं घर आऊंगा बेटे, मैं आऊंगा बेटे। रोने सिस्टर, सिस्टर इन्हें बाहर ले जाओ बेटा। मुझे कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। रो रहे हो बेटा, रो नहीं, आंसू पोंछ डालो। आंसू तो इंसान की कमजोरी जाहिर करते हैं। मैं तुम्हें हंसता हुआ देखना चाहता हूँ। मैं तो तुम्हें इतना मजबूत देखना चाहता हूँ बेटा, कि तुम्हारी हंसी से ही दुनिया की हर ताकत झुक जाए। बेटा हंसो, हंसो ना, हंसो, हंसो बेटा, हंसो। शाबाश, शाबाश बेटे, तुम मेरे सपूत हो। बेटा, जिस दिन तुम्हारा जन्म हुआ था वो एक महापुरुष का जन्मदिन था, 2 अक्टूबर, जानते हो ना, हमारे बापूजी का जन्मदिन। तुम्हारे साथ साथ मेरे मन में एक अंकुर फूटा था। मैंने सोचा था कि तुम भी बड़े होकर बापू की तरह बड़े बनोगे, तुम्हें भी तमाम मानवता का प्यार और सम्मान मिलेगा। और जैसे जैसे तुम बड़े होते गए, मेरा ये विश्वास बढ़ता गया। आज वही विश्वास मैं तुम्हें सौंपे जा रहा हूं। बेटा, तुम्हें विरासत में देने के लिए मेरे पास और तो कुछ नहीं, सिर्फ जिम्मेदारियां दिया जा रहा हूं। और मैं जानता हूं कि तुम इन जिम्मेदारियों को अच्छी तरह निभा सकोगे, निभा सकोगे ना? हाँ बापू। मगर बाधाएं बहुत होंगी बेटा, तुम्हारे रास्ते में बहुत ही रुकावटें हैं, और फिर न साया न सहारा, उस पर 2 छोटे-छोटे बहन भाइयों का बोझ, जो कदम कदम पे तुम्हारी राह रोकेंगे, तुम्हारी हर कोशिश में आड़े आएंगे। बेटा, अगर ये समझो कि टुन्नी और मन्नू की जिम्मेदारी तुम्हें गुमराह कर रही है या तुम्हें कमजोर बना रही है, तो सोच समझ कर उन्हें किसी शरीफ आदमी के घर रख देना। दुनिया में अभी भी ऐसे अच्छे आदमियों की कमी नहीं जो उन्हें खुशी खुशी अपने घर रख सकेंगे। फिर बड़े होकर उन्हें वापस ले आना, और फिर जब तुम देश के तमाम भाई बहनों का बोझ उठाने में समर्थ हो जाओगे, तो इनका बोझ तो तुम आसानी से उठा लोगे बेटा। ये जो कुछ मैं कह रहा हूँ, ये तुम कर सकोगे ना? बापू, मैं कर सकूंगा। और देखो बेटा, एक बात और याद रखो, जीवन में सबकी सहानुभूति लेना, सबका सहयोग लेना, मगर किसी की भीख भीख नहीं लेना बेटा। आत्मसम्मान का हमेशा ख्याल रखना, और याद रखना अपना आदर्श बापू का जीवन। बेटा, मुझे जो कुछ कहना था कह दी, जाओ जाओ बेटा, जाओ जाओ जाओ, जाओ। बापू! अरे और कुछ मिला के नहीं? कटोरी मिली, ये कटोरी मिली, जाओ उस तरफ जाकर ढूंढ जरा। 2 कटोरी है और एक चमचा है, और थाली कितने हैं? दादा यहाँ तो कुछ भी नहीं है। अरे बाजू में देख। देखता हूँ।
यहाँ एक गुड़िया और एक बैट है बच्चों के पास। अरे रहने दे भैया। अरे बच्चे की दो चीजें तो छोड़ दे। छोड़ दे ये सब सामान छोड़ दे। अरे दो महीने का भाड़ा कैसे वसूल करूंगा। अरे वो बैट से कहा वसूल हो भाई, कलम से बेकार है, बच्चन का जीव दुखा रहे। देखो ना दादा कौसाई सिर्फ कौसाई और शुद्ध भाड़ा चाहिए, क्या मैं घर में रखने वाला हूँ। नहीं, 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 नहीं तुम लोगों के सामने नीलाम करूंगा। अगर ज्यादा पैसा है मेरा दो महीने का भाड़ा लूंगा, बाकी के पैसे बच्चे को दे। ये सब क्या हो रहा है? एक नन्नी से बच्चे के हाथ से खिलौना छुनवाते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? दो महीने का भाड़ा बाकी है, वसूल कर रहा हूँ। ये वसूल हो रहा है? ठहर जा, अभी वसूल करवाती हूँ। निकल जा यहाँ से। मैं कहती हूँ निकल जा यहाँ से। क्यों निकल जा? ये मेरा मकान मेरे बाप का है या तेरे बाप का है? कानून तेरे बाप का नहीं है। अब मनमानी नहीं चलेगी, निकल जा यहाँ से। भाड़ा वसूल करना मनमानी होता है? मैं कहती हूँ निकल जा यहाँ से। नहीं निकलूंगा, चले जा तेरे जो होगा सो कर। नहीं निकलेगा। अरे जा ओ क्या बात है देवू, इस तरह हाँ क्यों रहे हो? बता तो, वो बड़ी भी है ना? हाँ। उनके यहाँ गया था। बड़ी भी क्या? क्यों? उन्होंने टुन्नी को अपने पास रखने के लिए मांगा था। अच्छा? उसीलिए मैं उनका घर देखने को गया, मगर वो जगह अच्छी नहीं है। माँ मेरी टुन्नी मर जाएगी। ठीक बात है बेटा, वो जगह बिल्कुल अच्छी नहीं है और वो औरत भी अच्छी नहीं है। वहाँ पर कोई भले घर की लड़की रह नहीं सकती। तुम अभी बच्चे हो, तुम नहीं जानते हो। मैं जानता हूँ क्यों तुम्हारी बहन को वो अपने पास रखना चाहती है। तुम भूल कर भी ऐसा काम मत करना। मैंने उनसे कह दिया मैं टुन्नी को वहाँ पर नहीं रखूंगा। ठीक किया बेटा, बिल्कुल ठीक किया है। मैं तुम्हारी परेशानी को समझ रहा हूँ देवू बेटा। इस उम्र में छोटे छोटे भाई बहनों का भार संभालना बड़ी ही परेशानी की बात है। देखो बेटा, एक बात कहूँ मानोगे? जब तुम उन दोनों को कहीं रख देने के बाद सोच ही रहे हो, तो क्यों ना मुन्नू को मेरे पास रख दो। बड़ा होशियार लड़का, बड़ा बहादुर है। मैं उसे अपनी दुकान के काम सिखाऊंगा, अपने बेटे के तरह पाल पोस कर बड़ा करूंगा। वो मेरे बुढ़ापे का एक सहारा हो जाएगा। क्यों बेटा, उसे यहाँ रखोगे? मैं पहले टुनी का कोई बंदोबस्त कर लूँ, उसी के लिए मुझे ज्यादा फिक्र है। बाद में मैं मन्नू को समझा बुझा कर देखूंगा। वो आपके पास रह जाए तो बहुत ही अच्छा हो, फिर मुझे कोई फिक्र नहीं रहेगी। हाँ बेटा, तुम उसे कहना, वो जरूर मान जाएगा। अच्छा गोकुल दादा, आप मैं चलूं? अच्छा बेटा। चॉकलेट, ये सब कहाँ से आया? ओ डॉक्टर गुप्ता है ना, जिन्होंने टुन्नी का इलाज किया था, आज वो आए थे, उन्होंने सब देकर कहा। दिया मुझे खाता ये। तू अकेली खाएगी, लो भैया तुम खाओ। डॉक्टर गुप्ता, लो तुम लोग खाओ, मैं अभी आता हूँ। घर के बाहर नहीं जाना, दरवाजा बंद कर दे मनु। अच्छा। अब तो आपकी हालत काफी ठीक हो गई, दवा पीने की कोई जरूरत नहीं। अब आप वो टॉनिक पीते रहिए और एक हफ्ते के बाद फिर मिलिए। नमस्ते। अच्छा, नमस्ते। अरे देवू, सब खैरियत है ना? जी हाँ। तो तुम फिर इस वक्त? मुझे आपसे कुछ कहना है। आओ, अंदर आओ। आओ। कहो देवू, क्या बात है? डॉक्टर साहब। हाँ हाँ बोलो। आप तो टुन्नी को बहुत जानते, जब वो बीमार थी आप दिन रात उसके पास बैठे रहते थे, खुद ही दवाई देते थे, खुद ही देखभाल करते थे। नहीं बेटा, एक डॉक्टर के नाते ये तो मेरा फर्ज था। मैं जानता हूँ डॉक्टर साहब, अभी भी आप टुन्नी का कितना ख्याल रखते हैं। आप सर उसे देखने के लिए हमारे घर आते हैं,
टुन्नी भी हमेशा आपकी बात करती है। अच्छा जी हाँ डॉक्टर साहब, जब आप टुन्नी को इतना प्यार करते हैं तो उसे अपने पास रख लीजिए। अपने पास रख लूं? जी हाँ, आपके पास रहेगी तो बड़े मजे से रहेगी। वो तो मैं जानता हूँ देवू, अगर टुन्नी को अपने पास रख सकूं तो मैं अपने को बड़ा खुशकिस्मत समझूं। मेरे तो कोई संतान है नहीं, मेरी जिंदगी में ये जो कमी है टुन्नी को पाकर वो पूरी हो जाएगी। इससे बढ़कर और क्या खुशी हो सकती है? लेकिन मुझे अंदेशा है कि मेरी पत्नी शायद इसके लिए राजी ना होंगी। राजी ना होंगी? जहां तक मैं समझता हूं आपके कहने पे भी नहीं मानेगी। उनसे कहना भी मेरे लिए शायद मुश्किल होगा देवू, तुम उन्हें नहीं जानते। मैं तुम्हें कैसे बताऊं, वो उनका स्वभाव ही कुछ और है। अगर वो मान जाए तो आपको तो कोई इतराज ना होगा। इतराज भला मुझे क्या होगा, बल्कि मुझे खुशी होगी। लेकिन देवू मुझे उम्मीद नहीं कि वो मान जाएंगे। अच्छा डॉक्टर साहब मैं जाऊं? अच्छा खराब है जी? किसी की भी तबीयत नहीं खराब है, बात यह है कि मेरी बहन एक बार बहुत बीमार थी, उसे डिप्टेरिया हो गया था, डॉक्टर साहब ने ही इसकी जान बचाई थी। आज हम लोग यहाँ से चले जाते हैं इसीलिए डॉक्टर साहब से मिलने आए थे। लेकिन वो तो 12 बजे के बाद वापस आएंगे, घर पर मिलना चाहते हो तो उस वक्त आकर मिल लेना। अच्छा नमस्ते। नमस्ते, क्या नाम है तुम्हारा? बड़ा खूबसूरत नाम है, पढ़ने जाती हो? जी हाँ केजी में जाती है। अच्छा तो बड़ी अच्छी लड़की है। बड़ी होशियार भी है। इसे बहुत सी पोएट्री याद है। तूने एक तो सुना तो सुना ना वो सुना हिकरी डिकरी डॉग द माउस एंड द टकला टकला स्ट्रक वन द माउस एंड डॉन हिकरी डिकरी डॉग। अरे वाह, ये गाना भी बहुत अच्छे जानती है और नाचती भी है। तूने वो अपना गाना गा के नाच के बता बता ना, शर्माती क्यों? फिर वो तुझे बहुत प्यार कर। चल शुरू कर दे, चल शुरू कर दे, चल शुरू कर दे, शुरू कर। नानी तेरी मोनी को मोने गए, बाकी जो बचा था काले चोले गए। नानी तेरी मोनी को मोने गए, बाकी जो बचा था काले चोले। खाके पीके मोटे होके
को भी खूब नचाया जंगल की सरकार ने। नानी तेरी मोनी को मौत कही, बाकी जो बचा था काले चोले गए। अच्छी नानी प्यारी नानी रूसा रूसी छोड़ दे, जल्दी से एक पैसा दे दे तू कंजू से छोड़ दे। अच्छी नानी प्यारी नानी रूसा रूसी छोड़ दे, जल्दी से एक पैसा दे दे तू कंजू से छोड़ दे। नानी तेरी मोनी को मोल गई, बाकी जो बचा था काले चोले गए। नानी तेरी मोनी को मोल गई, बाकी जो बचा था काले चोले गए। वाह वाह, तू तो सचमुच बड़ी अच्छी लड़की है, बड़ी प्यारी है मेरी जी। इसे कुछ ला दो तो। अभी लाती हूं। जल्दी जाओ, कितनी अच्छी लड़की है। तुम एक काम करो, क्या नाम है तुम्हारा? देवेश। तुम एक काम कर सकते हो, डॉक्टर साहब को आने में तो अभी बहुत देर है, तब तक तुम्हारा कोई काम हो या किसी से मिलना हो तो हो आओ, इसे तब तक मेरे पास रहने दो, आने जाने में तकलीफ होगी। क्यों टुन्नी, मेरे पास रहेगी ना? कितनी प्यारी लड़की है, कितनी अच्छी है। रहने दो, तुम्हारी माँ पता नहीं क्या सोचेंगी। हमारी माँ नहीं है, बापू भी नहीं रहे, इसीलिए हम लोग आज यहाँ से चले जा रहे हैं। एक बात कहूँ आपसे? बोलो। आप टुन्नी को थोड़ी देर रखने चाहते हैं, अगर मैं कहूँ कि आप इसे अपने पास रख लीजिए तो क्या आप रखेंगे? मैं समझी नहीं, क्या तुम कहना चाहते हो? अपने पास रख लो? जी हाँ, आप इसे अपने पास रख लीजिए, जब तक मैं बड़ा होकर इसका भार उठाने काबिल ना हो जाऊं तब तक आप इसकी परवरिश कीजिए। क्या रखेंगे ना? सच? सच तुम मुझे इसे दे रहे हो? सच? ये मेरे पास रहेगी? तुम मेरे पास रहेगी? मैं तेरे लिए इंतजार कर रही थी। मैं क्या करूं? मैं नहीं जाने दूंगी, नहीं। सब खिलौने तेरे हैं। हाँ सब। तू खेलेगी और मेरे पास रहेगी, रहेगी ना? हाँ। मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाएगी मेरी टुन्नी। तुम मुझे क्या कह कर बुलाएगी? बोल क्या कहेगी? माँ। क्या कहा? माँ। हाँ टुन्नी, मैं तेरी माँ हूँ। फिर से बोल टुन्नी, फिर से बोल। माँ। मेरी टुन्नी, मेरी प्यारी, कभी नहीं छोडूंगी, कभी नहीं छोडूंगी। भैया टुन्नी कहाँ है? टुन्नी डॉक्टर साहब के घर पे है। क्यों, उसे वहीं क्यों छोड़ी आए? वो वहीं रहेगी। क्यों? डॉक्टर साहब उसे बहुत प्यार करते हैं ना, उन्होंने अपने पास रख लिया, वो वहाँ बड़े आराम से रहेगी। अच्छा मनु सुन, क्या है? वो गोकुल दादा है ना? कौन? वो गोकुल बनिया? हाँ, वो तुझे कैसे लगते हैं? अच्छे लगते हैं। अच्छे लगते हैं ना, तू उनके पास जाके रहेगा? नहीं, मैं अपने घर के और कहीं नहीं रहूँगा। मगर ये घर तो हमें छोड़ना पड़ेगा। तो फिर तुम कहाँ रहोगे? मेरा कोई ठीक नहीं, टुन्नी डॉक्टर साहब के यहाँ रहेगी तो गोकुल दादा के पास चले जाना, और मैं भी अपना कोई ठिकाना कर लूंगा। नहीं, मैं तुम्हारे पास रहूंगा, गोकुल गोकुल के पास नहीं रहूंगा। नहीं नहीं, कैसे? मनु
वहाँ तुझे कोई तकलीफ नहीं होगी। तुझे मालूम है ना गोगल दादा तुझे कितना प्यार करते हैं, रोज स्कूल जाने पर तुझे चॉकलेट देते हैं, बिस्किट देते हैं। मुझे चॉकलेट बिस्किट कुछ नहीं चाहिए, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। मेरे साथ रहने से तुझे बहुत दुख उठाना पड़ेगा, तू उठा नहीं सकेगा मनु। उठाऊंगा। जीतने करते हैं मनु। देख बापू ने कहा था टुन्नी और मनु को किसी के पास रख देना, तो बाबू की बात नहीं रखेगा? मुझसे तो बापू ने कुछ नहीं कहा, मैं कुछ नहीं जानता। तू समझता क्यों नहीं मनु, तू साथ रहेगा तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। जो मैंने बाबू से वायदा किया वो कभी भी पूरा नहीं हो सकेगा, तो मेरी बात मान और गोकल के। मैं नहीं मानता। मेरी बात नहीं मानेगा? नहीं 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 नहीं। मनु तुझे गोकल दादा के पास जाना ही पड़ेगा। नहीं जाऊंगा। जाना ही पड़ेगा। नहीं जाऊंगा। नहीं जाएगा। Thank you.
चलता हूँ। लाल रानी तो आने थे, निकल रानी। लाल रानी रह तो आएगी, हर वक्त तुम लोग ताश पीटते रहा करो और यहाँ काम करते करते कमर टूट गई है। निकल रानी। अरे सुनते हो कि नहीं, पहरे हो गए हो क्या? निकल। अरे तुम्हारे लाल रानी जी ऐसी की तैसी पकड़ के। क्या हुआ तुझे? अरे क्या हुआ, रात के 11 बज गए हैं और काम अभी बहुत बाकी है, समझे क्या? और घर नहीं जाना है क्या? इसलिए कि बंबई की ऊंची नीचे सड़कें हैं ना, सपाट हो जाएंगी। खबर दो ना, अगर कभी बोलो चाहता हूँ, समझे क्या? ये इक्का दूरी बंद करो, बंद कर दिया। क्या हुआ, पलटे तो शुरू कर दिया। हाँ चल, मैंने रख दी, मैं नहीं कर रहा ये काम, मैं हाथ चल के। कौन है तू? बच्चा है। क्या चाहिए तेरे को? कुछ खाने को मिलेगा? खाने को तो पैसे से खाना है तो बाहर जाओ, और भी क्या नहीं मिलती है, समझे? मुझे भीख नहीं चाहिए। तो फिर बदले में आपका कुछ काम कर दूंगा। क्या काम करेगा तू? सफाई करूंगा, प्लेट दूंगा। अच्छा, दे भाई, तेरी सहूलत का सामान हो गया। बहुत अच्छे मौके पे आया तुम। लेकिन दो आदमी का खाना चाहिए। दो का नहीं, चार का मिलेगा, खाना बहुत पड़ा हुआ है। झूठा नहीं चाहिए। झूठा नहीं, तुझे अच्छा खाना दूंगा। तू क्या अच्छा खाना देगा, मैं दूंगा। आओ पहले पॉलेट साफ कर लो, फिर काम दूंगा। आओ भाई, रमने की बाजी हो जाए। दो हो जाए डियर। तो बहुत देर हो गई है। तुम्हें छोड़ने को जी नहीं करता। जी तो मेरा भी नहीं करता। तो फिर थोड़ी देर और रुको ना, आखिर जाकर सोई तो जाओगी। तुम्हें क्या पता मेरी रात किस बेचैनी से गुजरेगी।
मुझे भी सोकर क्या चैन मिलेगा, बार बार तुम्हारे सपने देखेंगे। यू आर लकी डियर, तुम सपने तो देखती हो, हमें वो भी नसीब नहीं है, हम वक्त नींद ही नहीं आती। नहीं आती तो ना आए, मगर हमारी आई हुई नींद क्यों हराम करते हो? डैडी खबरदार, फिर कभी देखा तो टांगे तोड़ दूंगा। चल, आधी आधी रात को लफंगों के साथ घूमती है, चल अंदर घर में। मैंने बिना सीख लिया, मैंने बिना सीख लिया, मैंने बिना सीख लिया, मैंने बिना सीख लिया। कौन है वे? रहने को घर नहीं, सारा जय हमारा ले। देख कितना खाना ले आया, पूरा खाना। ये क्या पैसा तूने किसी से मांगा क्या? नहीं भैया, मैंने किसी से नहीं मांगा, और शराबी आदमी आया था वो ऐसे पक गया, भीख दे गया। फुटपाथ पर रहने वालों को लोग भिखारी समझते हैं, पड़ा रहने दे, जिसको जरूरत होगी वो ले जाएगा। खाना कहाँ मिल रहा? होटल से। क्यों, अच्छा नहीं है? बहुत अच्छा, खाकर मजा आएगा। खा, तेरा पेट भर जाएगा ना। हाँ, पर भी मैं सुबह के लिए पाँव भी रख दूँ? नहीं नहीं, तू पेट भर के खा ले, सुबह देखा जाएगा। भैया क्या है? भैया वो देखो लाल जूते। कौन से? वो काले सैंडल के बाजू में है ना। हाँ। और लाल जूते। हाँ। कितने अच्छे हैं। अच्छा है ना? हाँ, बहुत अच्छा है। बिल्कुल मेरे पैर का है। तुमने कहा था ना कि स्कूल से वजीफा मिलने से मैं तुझे नए जूते ले दूंगा, तुम मुझे ये जूते ले दोगे ना? मैं स्कूल जाता तब तो। चल मनु, अब सोने का कोई बंदोबस्त करे। फिकर मत कर मनु, मैं तो कुछ रोजगार करूंगा ही, उसमें से थोड़े थोड़े पैसे बचाकर वो जूते तेरे लिए ला दूंगा। ला दोगे ना? हाँ। सच? सच। वादा करो। मैं वादा करता हूँ कि मैं तुझे वही जूते पहनाऊंगा। पहनाओगे ना? हाँ। चलो पकड़ो, अब ये फटे जूते कौन पहनता है? अब मैं नए जूते पहनूंगा। ला भैया। भैया मैं भी पैसा जमा करूं तो जूते जल्दी आएंगे ना? मगर तू पैसा कहाँ से जमा करेगा? मैं रोजगार करूंगा। क्या करेगा? जो तुम करोगे। अच्छा अच्छा, चल। चुबे, कैसा लगा? अबे जवाब नहीं तेरा। अरे भोला बिल्कुल भोले दिखता है आज। धंधे तेरा गुस्सा खराब जमेगा ना? जमेगा, खूब जमेगा। उस्ताद बोला कि बदला तो अपन माला माल हो जाएंगे। पहले से धंधे मालूम होते ना तो प्लेटफॉर्म छोड़ के कहीं हवेली बना जा। हेलो उस्ताद। अरे देख 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 देख। अरे लंका में लंगूर कहाँ से आ गए? कहाँ है, कहाँ है? अरे वो देखना, वो बैठे। अबे हाँ बे, ये दोनों कहाँ से आ गए? वही तो कहता हूँ, कहाँ से आ गए। चल तो देखो। चलो 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 चलो। अरे चलो सभी। क्या समझ रखा है, ना पूछा ना पाचा, आके बैठ गया। क्यों, क्या हुआ? वाह बेटा, तुम जानते हैं हम कौन है? ये प्लेटफॉर्म अपन के अंडर में, बाहर वाले के लिए नो एंट्री। चलो फुटो 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 फुटो। क्यों बोला ना, चलते फिरते नजर आओ। फट नहीं जाएंगे। अबे करता है क्या? फुट फुट नहीं जाएंगे, जाओ तेरे बाप के लिए। क्या बे, बात है नहीं, चल भाग, उठा के फेंक दे उसको। दूसरे बात करो। मारेगा क्या? एक बार में बत्ती से अंदर कर दूंगा। कल का बच्चा उसको मारने चला,
एक लाफा में सारा कचुम्बर निकाल देगा। तो खुद ले बाबा हो गया ना, वो मारेगा क्या? अबे वो पोपटलाल क्या टेढ़ा लगा रखी, भाग जाए से मार खा जाएगा। लेके जाओ इसको। बेकार झगड़ा मत करो। अबे तो झगड़ा कौन करता है, तुमको बोला जाओ जाओ, बात खत्म होता है। ये जगह ना तुम्हारी है ना हमारी है, अगर हम लोग यहाँ रहे तो तुम्हारा क्या बिगड़ेगा? बात कुछ बिगड़ जाएगा बेटा, तू नहीं समझेगा, चालू पड़े ऐसे। हम लोग यहाँ ज्यादा दिन तक नहीं रहेंगे, दो तीन दिन में बंदोबस्त कर लेंगे, फिर खुद ही चले जाएंगे। नहीं नहीं नहीं, पहले सब लोग ऐसे कहते हैं, फिर कोई चलने का नाम नहीं लेता। चलो रहने दे, देखता नहीं शरीफ जादे, दो चार दिन में खुद ही चले जाएंगे, ये लोग भले आके टिकेंगे। रहने दे, समझा बेटा पोपट लाल, चलो उठ जा रे, गाड़ी आ गई। चलो भाई, कैसे हो? एकदम ठीक है। एक तो हो ना? हाँ जी। ये लो खाना, ला बांट लो। सलाम जॉन साहब, सब ठीक है ना? हैप्पी बॉस, सब ठीक है ना? बिल्कुल ठीक है बॉस, माल इसमें रखेला है और हिसाब भी केला है। वेरी गुड, कितना है? होगा कुछ 700 से ऊपर। ये लो बांट लेना हिसाब से। थैंक यू बॉस। ये लोग बिल्कुल नया आए हैं। यहाँ क्या सोने दिया उन्हें? ये लोग से अपन को कोई खतरा नहीं है बॉस, बिल्कुल कबूतर है। फिर भी ख्याल से देखो, कल रात का प्रोग्राम पक्का है, ठीक रात को 1 बजे मैं यहाँ आऊँगा, सब लोग तैयार रहना है, कोई गड़बड़ ना होने पाए। तुम फिक्र मत करो बॉस। शाबाश। दुकान के सामने खड़ा रहना, इधर उधर जाया मत कर, मैं कुछ रोजगार ढूंढने जाता हूँ, फिर मिलेंगे। अच्छा अच्छा साहब, मुझे कुछ काम चाहिए। क्या काम करेगा? जो कहिए करूंगा, मैं हर काम कर सकता हूँ। हर काम कर सकता हूँ? तू अपनी उम्र तो देख, चल यह काम नहीं है। घर नहीं घाट नहीं चले हैं काम करने, कल कोई चीज लेके भाग गया तो मैं कहां ढूंढूंगा तुझे। चल चल भाग, चल चल। सब मैं ले चलूं? ये बहुत भारी है, तुमसे नहीं उठेगा। मेरे से उठ जाएगा सब? नहीं, तुमसे नहीं उठे हो, तुम्हारा हाथ इतना भारी बोझा उठा नहीं सकेंगे। सब ये हाथ छोटे हैं पर कमजोर नहीं, ये हाथ हर बोझे उठा सकते हैं, मुझे इन पर पूरा भरोसा है। ये हाथ ही अपनी दौलत है, ये हाथी अपनी दौलत है, ये हाथी अपनी ताकत है, कुछ और तो पूछ।
पास नहीं, ये हाथी अपनी किस्मत है। काम करके ऑफिस में काम करने से पैसा मिलता है। हाँ। ऑफिस कहाँ है? ये सब ऑफिस ही तो है। ये सब ऑफिस है। हाँ। अच्छा 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 मैं बोल दूंगी। हाँ अच्छा बाय बाय। इस कंपनी का मालिक कौन है? ये लिमिटेड कंपनी है, इसको कोई मालिक नहीं है। मालिक ही नहीं, तुम्हें पगार कौन देता है? जनरल मैनेजर। मैनेजर वो कहाँ है? मुझे उनसे मिलना है। तुम्हें क्या काम है? मैं उन्हीं को बताऊंगा, तुम्हें नहीं बताऊंगा। वो इस वक्त बिजी है, तुमसे नहीं मिल सकती। मैं मिलूंगा, बताओ कहाँ? वो सामने कमरे में। अच्छा हेलो। ए ए ए छोकरे, ए छोकरे, बच्चे क्या चाहता है? मैं मैनेजर साहब से मिलना है। क्यों मिलना है? तुम तो चपरासी हो, तुम्हें पता मुझे क्या पता? मैं उन्हीं को बताऊंगा। इस वक्त मुलाकात नहीं हो सकता है, मैनेजर साहब काम में है, दूसरी मतलब आना जाओ। अच्छा अंदर जाके बैठो, तो मैं मिलने आया हूँ, मेरा नाम मन्नू है। अच्छा अच्छा मालूम है मन्नू है। आया जी, सोचे तुम यही ठहरो, मैं अभी आता हूँ, समझे?
I do not expect this remark, at least from you. I strongly protest. You got it? Yes. After all, I'm a gentleman. I cannot be rude with a lady. I'm a man with very sweet temper. Do you agree with me, Miss Pinto? Quite so, sir. Good. You understand my point. What have you written so far? Ab tak tumne kya likha hai? Nothing. You told me to listen only. Oh, my God. Please, take down. Sir, mili aapko? Hai? Kaun hai tu? क्या मांगता है यहाँ कैसे आया मुझे रोजगार चाहिए मैं आपके दफ्तर में काम करूंगा यहाँ कोई काम नहीं है भाग यहाँ से काम नहीं है तो लोग क्या करें घास खोद रहे हैं तू जाता है या नहीं जब तक आप मुझे काम नहीं देंगे मैं नहीं जाऊंगा अच्छा जी जबरदस्ती काम चाहता है तू कहती है नहीं वांट जॉब जाता है या नहीं बांध छोड़ दो मेरा अगर दिखाता बदतमीज आप मार दे क्यों जबान चलाता बदतमीज कहेगा सुनता नहीं जीत के निकल जाता बाहर इतना मुंह तोड़ दूंगा निकल जाता Miss Pinto, pakdo, pakdo, pakdo. भैया मन्नू कहाँ गया थे तू मैं कब से तेरा इंतजार कर रहा था मैंने तुझे कहा था ना कि इसी दुकान के सामने मिलाकर इधर उधर जाया मत कर कहाँ गया था तू रोजगार ढूंढने कहाँ ऑफिस में हाँ जहाँ सब लोग जाते मगर कुछ नहीं मिला भैया रोजगार मिलना बड़ा मुश्किल है ना हाँ ये क्या लाए हो खाना लाए हो हाँ लाओ मुझे भी बड़ी भूख लगी थी चल कहीं आराम से बैठ कर खाए अरे वाह सेव कुरमुरा चना गर्मी है आज हवा भी नहीं है ए, तुम तो गूंगे बनते थे बात कैसी की अबे बे बे बो बे बे बात नहीं की अबे बे बो अजीब बात है तैयार हो बिल्कुल वक्त हो गया है लाली का बंदोबस्त मैंने वहां कर दिया है ऐसा ना हो कि तुम फिक्र मत करो जान साहब अपन का काम कभी कच्चा नहीं होता है अच्छा तो मैं चलता हूँ तुम लोग फौरन चले आओ वही तुम्हारा इंतजार तुम पहुंचो अभी आता है
चला जा, अपन सब लोग एक साथ मिलेंगे, चलो पड़ जा, चल फट, चल यानी सब इंतजाम कर लिया है ना तूने, आ जा मेरे साथ, ए उधर से उधर से। Emergency. तू यहाँ कैसे आया? राजा को तो मुझे भाग जाना है। नहीं नहीं कहते हमें डरा कर चिल्लाया तो रुक जा रामू, जल्दी जल्दी आ गया था। हाँ अंदर एक लड़का घुसाया था। लड़का? हाँ कहाँ? यहीं पे छुपा है अंदर में। अरे ये पिस्तौल आप एक लड़के से इतने घबरा गया था? मैं यूं नहीं घबरा रहा था, मैं लड़के को जानता हूँ, वो भी मुझे पहचानता है। आज उसने ये जगह भी देख ली है। अगर वो यहां से निकला आता हूं तो हम लोग की खैर नहीं, पुलिस वाले फौरन दबोच जाएंगे यहां के। आप फिक्र नहीं करो सरकार, यहां से आके कोई भी नहीं निकल सकता है। बोल बे कौन है बे? अरे पुरिया दो छोका दो लड़के निकल। अबे निकलता है या निकालो तूने? कहाँ छुपा है कुछ पता नहीं चलता।
कौन पिया है सुंदर? क्या बात है? पुलिस बड़ी सरगर्मी के साथ हमारी तलाश कर रही है और कहीं कहीं आपकी उंगलियां बताकर पूछताछ की जा रही है कि लंगड़ा सा आदमी, काली सी गाड़ी, साहब हर जगह से पूछा जा रहा है। तुम जाओ। बहुत अच्छा साहब। अगर पुलिस यहाँ गई तो क्या हुआ? इस गोदाम में रखा ही क्या है? और नीचे तहखाने की तुमको बू तक नहीं मिल सकती। वाह, वो लड़का जो यहाँ है, तुम दरवाजा तोड़ डालो और लड़के को तहखाने में बंद कर दो। हाँ, शाम का वक्त है, दरवाजा तोड़ेंगे तो शोरगुल नहीं होगा, जिसे शक नहीं वो भी शक कर लेगा। हाँ, तुम ठीक कहते हो। एक काम करो। हाँ, दरवाजे के पल्ले को काट दो और उसे निकाल लो। हाँ। बंद करवा दो, बाहर से ताला लगवा दो। अच्छा। बाहर से देखने वाले को ये मालूम पड़े कि अंदर कोई भी नहीं, इसे सुबह देख लेंगे। गूगल दादा, आपने मन्नू को देखा है? ना, वो यहाँ तो नहीं आया। नहीं तो क्यों, क्या हुआ? पता नहीं कहाँ चल गया। चला गया? देवू साहब, मेरा ख्याल है वो खबर गलत थी, पुलिस को कोई पता नहीं चला। अगर पुलिस को पता चल गया होता तो अभी तक हम लोग दम आवाज भी है? सुना तुमने? कुछ नहीं। क्या
भगवान मेरे मन्नू को मुझसे मिला दो, उसके बगैर मैं क्या करूंगा। तुम तो बड़े दयालु, मुझ पर दया करो, मेरे मन्नू को मुझे दे दो, मन्नू को मुझे मिला दो। सासौतीस, बस 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 बस। बस ठीक है, इतना ही फासला रखिए, ट्रक तो कहीं कहीं रुकेगी, जहां रुकेगी उसे पकड़ लेंगे। इतना खतरा मोल लेकर तुमने ये जूते चुराए हैं, शायद तुम चाहे तो अपने भाई को ये दे दूं। जा दे आओ, मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगा। नहीं, मैं उसे चोरी के जूते नहीं पहनूंगा। अगर उसे किसी दिन मालूम पड़ गया कि मैंने उसे चोरी के जूते दिए, वो क्या समझेगा, क्या कहेगा। मैं उस वक्त सोच भी नहीं पाया मैं क्या कर रहा था, बहुत गलत काम किया मैंने। मैंने बापू से वायदा किया था कि मैं सच्चा इंसान बनूंगा, अब मैं चोर बन गया। लोग मुझ पर उंगली उठाएंगे, चोर कहेंगे, मैं कुछ ना बन सकूंगा, कुछ ना कर सकूंगा। देवू, तुम दिल के बहुत अच्छे हो, इसलिए तुम सब कुछ कर सकोगे। मैं तुम्हारा इम्तिहान ले रहा था,
मुझे खुशी है कि तुमने खुद अपनी गलती महसूस की। तुम जरूर एक दिन बड़े बनोगे जैसा तुम्हारे बापू ने चाहा था। मैं तुम्हारा जिम्मा लेता हूँ, तुम्हें एक दिन नेक और सच्चा इंसान बनाऊंगा। यहाँ के बच्चों के लिए तुम एक मिसाल बनोगे। चलो तुम्हारे भाई को देखा। देवू कहाँ चले गए थे? डॉक्टर साहब, अब अच्छा है, चलाने की कोई बात नहीं। जाओ, कई बार तुम्हें पूछ चुका है। देवू इधर आओ बेटा, इन्हें अपने भाई को दे देना। नहीं। मगर बेटा ये वो जूते नहीं, मैं तुम्हारे लिए नए लाया हूं। इन्हें तुम दान एहसान मत समझो, मैं तुम्हारी खुददारी पर ठेस नहीं लगाना चाहता। तुम इसे एक छोटा सा कर्ज समझ लो, और जब बने तब अदा कर देना। ये लो। कैसा है अब? मैं अच्छा हूँ। अच्छा है ना? हाँ। ले अपने जूते, मैंने कहा था ना कि मैं ला दूंगा। अरे ये तो वही जूते हैं, कितने अच्छे हैं। हाँ बहुत अच्छे हैं भैया। मन्नू, डॉक्टर साहब मैं 25 बरस से बच्चों के रेफर्मेटरी में काम कर रहा हूँ। हजारों बच्चों को करीब से देखने और समझने का इत्तेफाक हुआ है, मगर यकीन मानिए ये पहला मौका था जब किसी बच्चे ने इस खलूस और ईमानदारी के साथ न सिर्फ ऊंचे उठने की ख्वाहिश जाहिर की है बल्कि कोशिश भी की है। देबू ही पहला बच्चा है जिसने मुझसे कहा कि वो सच्चा इंसान बनना चाहता है। उसके जज्बात और उसका अकीदा देखकर खुशी होती है। ऐसे बच्चों को आगे बढ़ने का मौका देना, उन्हें हर सहूलियत मुहैया करना हमारा फर्ज। जिस मुल्क में ऐसे होनहार बच्चे हैं उस मुल्क के मुस्तकबिल पर हमें कोई अंदेशा नहीं होना चाहिए। जरूरत है सिर्फ उन हीरों को खोजने की, उन्हें तराशने की। डॉक्टर साहब आपने देवों के लिए बहुत कुछ किया है, दरअसल इसी बात की बधाई देने के लिए मैं आपके पास आया था। आप जैसे शुरफा पर हमारे समाज को फक्र होना चाहिए। यह तारीफ हमारे लिए बहुत ज्यादा है खान साहब। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं डॉक्टर साहब, आपने तो मिसाल कायम की है, हमें तो आप जैसे लोगों की जरूरत है। आपने देवू के भाई बहन की सरपरस्ती का जिम्मा लेकर उसकी तरक्की का रास्ता खोल दिया है। अब उसकी रहबरी और रहनुमाई का जिम्मा हमारा है। डॉक्टर साहब मैं जा रहा हूँ, पता नहीं कब कितने दिनों के बाद वापस आऊँगा। जाते वक्त आपसे एक अर्ज और करना चाहता हूँ। टुन्नी और मन्नू कुछ दिनों के बाद शायद मुझे भूलने लगेंगे, आप उन्हें कभी कभी मेरी याद दिलाते रहिएगा। कहिएगा उनका एक भाई भी है जो एक दिन उन्हें वापस लेने ज़रूर आएगा, ज़रूर आएगा। खुदा हाफिज़।